हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन यानी गति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है आप लोगों को एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो जिस प्रकार विराट कोहली का ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट था सिमिलरली ये मोशन गति चैप्टर भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर दोस्तों ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ में हम लोग इसको समझेंगे दोस्तों अगर आप लोगों को पता है रेलवे का कोई से भी एग्जाम उसमें साइंस आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप लोग साइंस में पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो हम लोगों को चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी एक तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण शायद आप लोगों को पता भी होगा अगर डेली आप लोग चैनल पे हैं।

अगर हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो इतने सारे चैप्टर हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं जब ये चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो ये फिजिक्स वाला पार्ट आप लोगों का पूरा हो जाएगा दोस्तों इस वाली क्लास में हम लोग मोशन यानी गति शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्लास में आप लोगों का गति पूरा हो जाएगा तो शुरू करें स्टार्ट करें सेशन बिल्कुल सर शुरू करते हैं तो सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए वे, सीधे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं मोशन यानी गति की चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन ही मेरा यह है कि मोशन यानी गति होता क्या है आप कैसे पता लगाओगे कि कोई मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा जैसे मान लीजिए मैं इधर खड़ा हूं क्या मैं मोशन कर रहा हूं क्या अभी आपने देखा मैं इधर खड़ा हूं दो मिनट बाद देखा तब भी मैं इधर मिलूंगा तीन मिनट बाद देखोगे तब भी मैं इधर मिलूंगा तो क्या आप लोग बोलोगे क्या कि नीरज सर मोशन कर रहे हैं नहीं जबकि अगर दोस्तों अभी मैं यहां पर हूं थोड़ी देर बाद में आपको मैं यहां पर मिला फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर मिला फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर मिला तो आप लोग बोलोगे कि सर मोशन कर रहे हैं तो मोशन आप लोग कब बोलोगे दोस्तों अगर समय के साथ में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो आप लोग बोलोगे कि वह मोशन कर रहा है गति कर रहा है जैसे ये लड़का देखो पहले वो वहां पर था थोड़ा आगे आ गया फिर आगे आ गया है ना तो टाइम के साथ में इसकी पोजिशन चेंज हो रही है अब आप लोगों का आगे आ गया फिर थोड़ी देर बाद में और आगे आ गया तो आप लोग बोलोगे मोशन कर रहा है गति कर रहा है जैसे आप लोग यहां पर देख लो जैसे मान लो ये कोई एक एटम है परमाणु है बीच में परमाणु के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है न्यूक्लियस यानी नाभिक अब दोस्तों इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं आपको पता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर था फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया तो क्या टाइम के साथ में इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या बिल्कुल तो आप लोग बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे कर रहे रहे हैं मोशन हैं कहानी क्लियर है बिल्कुल अब एक चीज ध्यान रखिएगा ये मोशन आप लोगों के अलग अलग टाइप के होते हैं सर कौन कौन से होते हैं एक लड़का बोल रहा है चिक्कू जी सर मेरा नाम लो चिक्कू जी अब आपका नाम ले लिया नाम लेने से कुछ नहीं होता पढ़ाई करने से होता है काम करने से होता है आपका सब कुछ ठीक है अब इधर आप लोग पढ़ाई कर लीजिए चलिए दोस्तों मोशन जो होते हैं, आप लोगों के तीन टाइप के होते हैं सर, कौन-कौन से? पहला अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो आप लोग बोलोगे मोशन है जैसे कोई लड़का चल रहा है सीधे सीधे ये क्या है? एक मोशन है जैसे मान लीजिए कोई सड़क है इस सड़क पे कोई कार चल रही है सीधे सीधे ये भी रेक्टिलीनियर मोशन है समझ में आ गया दोस्तों दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन जिसे हिंदी में घूर्णन गति या घूर्णी गति आप लोग बोलते हैं क्लियर ये तो आपने देखा ही होगा अगर कोई रोटेशन कर रहा है अभी एक एक को और समझेंगे डिटेल में तीसरा होता है आप लोगों का ऑसिलेटरी मोशन हिंदी में दोलन गति सर कैसे पता पड़ेगा कोई ये वाला मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा देखो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है जैसे मान लो ये पेन है मैं इसको बार बार ऐसे कर रहा हूं क्या ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है क्या कर रहा है क्या यस कर रहा है कैसे आप लोग बोल सकते हो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है देखो दोस्तों तो ध्यान से समझो अगर मैं इसको स्लो मोशन में करके बताऊं तो आपको ऐसा नजर आएगा क्या ऐसा नजर आएगा क्या यानी अगर आप लोग देखोगे एक टाइम के बाद में ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है जैसे अभी यहां पर है वापस आ गया वापस आ गया वापस आ गया वापस आ गया तो एक फिक्स टाइम के बाद में ये अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है तो इस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन दोस्तों क्लियर है क्या आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा चलिए एक एक को समझते हैं सबसे पहले समझते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ठीक है तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन यानी रिजु गति दोस्तों क्या होता है रेक्टिलिनियर मोशन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ऐसे मोशन को बोलोगे रेक्टिलिनियर मोशन जैसे अगर आप सीधे सड़क पर चल रहे हो तो एक रेक्टिलिनियर मोशन है दोस्तों क्या यह भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है क्या ये ट्रेन भी दोस्तों सीधे एक सीधे स्ट्रेट लाइन में तो चल रही है बोलो एक लाइन में तो चल रही है तो यस सर ये भी एक रेक्टिलिनियर मोशन है क्लियर है क्या समझ में आ गई यस बोलिए जल्दी से बिल्कुल सर सर साइंस का कंप्लीट कोर्स दोस्तों उसके बारे में बात लास्ट में करेंगे ठीक है आपको सभी को पता है मेरा फाउंडेशन कोर्स है एक पेड कोर्स है जो मेरी ऐप पे मिलता है उसके बाद में करेंगे आज मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने आया हूं मैं जब भी यूट्यूब पे क्लास लेता हूं वैसे नहीं स्टार्टिंग से मैं आप लोगों का स्टार्ट हो जाता हूं। पूरा पढ़ते हैं उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है प्लीज आप लोग इधर ध्यान दो अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे ही आएंगे चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि सर दूसरा जो रोटेशनल मोशन है वो क्या है दोस्तों रोटेशनल मोशन क्या है जैसे मान लो ये टायर है आप लोग जब Uh, कोई भी साइकिल चलाते हो या एक्टिवा चलाते हो या कार चलाते हो तो होता क्या है ये जो टायर है ना वो एक्चुअली में ऐसे कर करके ऐसे आता रहता है तो आपको लगता है कि सर ये रोटेशनल मोशन है नहीं ये आप लोगों का दोस्तों रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी चल रहा है तो ये आपका प्योर रोटेशन नहीं है रोटेशनल मोशन आप लोग किसको बोलोगे अगर दोस्तों वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जैसे मान लो ये टायर अभी रोटेट कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट ऐसे तो रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस है तो अगर कोई एक, एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन मतलब घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं ठीक है सर कोई और एग्जांपल बताइए जैसे देखो ये भी रोटेशनल मोशन कर रहा है है ना ये भी आप लोगों का रोटेशनल मोशन कर रहा है चले आगे आगे दोस्तों एक चीज बताऊं क्या फनी सी एक फनी सी चीज़ बताऊँ क्या बताओ सर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं एक बच्चा है जो कमेंट कर रहा है सर यूट्यूब पर फ्री थ्योरी पढ़ाओ ये क्या चल रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो वो कमेंट कर रहे हो तो दोस्तों पढ़ने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे तुम ऐसे कमेंट में रह जाओगे डेली सुबह दस बजे क्लास चलती है रो, जो सीरियस स्टूडेंट है वो रो रोज आते हैं रोज अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं रोज सीख के जाते हैं लेकिन बाकी के बच्चे इसी में रह जाएंगे सर ये कलर है ना पीले की जगह नीला कर दो ये मेरी आंखों को चुपता है सर ये है ना ये जो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है ना इसकी जगह ब्लैक कर दो क्योंकि तो जैसे ही आप ब्लैक कर दोगे ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा चाहे मैं पढूं या ना पढूं तो प्लीज दोस्तों आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग यहां पर पढ़ाई करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग पढ़ोगे क्लियर है चलिए आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है तो ऑसिलेटरी मोशन आप लोग किसको बोलते हैं अगेन मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं जैसे ही पेन है ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है कैसे पता पड़ा सर क्योंकि अगर आप स्लो मोशन में करके देखोगे ना तो देखो ये अपनी पोजिशन पे वापिस आ रहा है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है अपनी स्थिति पे वापस आ रहा है तो इस प्रकार के मोशन को आप लोग बोलोगे ऑसिलेटरी मोशन जैसे आप लोग इसको देख लो अब ये यहां पर था वापिस आ गया वापिस आ गया वापिस आ गया वापिस आ गया तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन क्लियर है क्या तो अगर एक निश्चित अंतराल में अगर वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है अपनी स्थिति पे वापस आ रहा है तो दोस्तों ये आपका कौन सा मोशन कहलाएगा? ऑसिलेटरी मोशन एक लड़का है जो एक ही कमेंट कर रहा है अजीत विश्वकर्मा जी सर आपकी शादी कब होगी हाँ अजीत जी आपको दे दूंगा ऑर्डर ढोल बजाने का है? मतलब यार बहुत बुरा लगता है मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ पूरी मेहनत कर रहा हूँ सर शादी कब होगी मेरी तो हो चुकी फिर बोलोगे सर बच्चे कब होंगे सर बच्चे का पहला जन्मदिन कब आएगा और दोस्तों यहाँ पर इतने स्मार्ट लोग हैं मैंने बोल भी दिया ना कि मान लो यार मेरे बच्चे का जन्मदिन अब उन्नीस जुलाई को आता है सर ये तो इसका पहला जन्मदिन है सर सेकेंड बर्थडे कब आएगा इतने इतना भी दिमाग नहीं है अगर पहला उन्नीस जुलाई का दूसरा भी उन्नीस जुलाई को आएगा Clear है तो इधर पढ़ाई करो प्यारे दोस्तों मैं आपको पढ़ाने आया हूं ठीक है सब हो जाएगा अस्सी मजाक चलता रहेगा आ जाओ चलिए दोस्तों यानी गति ये चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है लेकिन इसका सबसे बेसिक सबसे मूल चीज जो है वो क्या है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी एवं विस्थापन क्या होता है बहुत आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बताता हूं यह आप लोगों को कौन समझाएगा यह आपको बिल्ली समझाएगी जैसे दोस्तों बिल्ली है यह घूमती घूमती जा रही है ऐसे जो 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 यहां पर जाके पहुंच गई बेसिकली इसकी स्टार्टिंग इसने स्टार्ट कहां से किया यहां पर यह इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी इसने एंड कहां पर करा अपनी जर्नी को सर यहां पर करा दोस्तों क्या आप मुझे बताइए ये ये कैसे गई सर ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई सर ऐसे 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 तो आप मुझे बताइए इसने एक्चुअली में रास्ता कौन सा चुना ये वाला चुना तो इसकी पूरी लंबाई क्या होगी वो कहलाएगा डिस्टेंस यानी दूरी दूरी क्या होता है ये टोटल कितना चला ये पूरा ये है ये पूरी कवर करिए बेचारी ने पूरी कवर करी है तो मैं बोलूंगा इसने कितनी दूरी तय करी है इस रस्ते की लंबाई ले लो तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है दूरी क्या होता है सर कुल तय पथ की लंबाई इसने कौन सा पथ तय करा है कौन सा पाथ इसने ट्रेवल करा है सर ये वाला तो इसकी पूरी की पूरी लंबाई ले लो ये हो जाएगा आपका दूरी दोस्तों विस्थापन क्या होता है शॉर्टकट जैसे यहां से इसने स्टार्ट किया यहां पर आके एंड किया सर कुछ शॉर्टकट हो सकता था क्या बिल्कुल हो सकता था सर अगर यह बिल्ली सीधा चली जाती तो क्या शॉर्टकट रहता सर तो अगर जहां से जर्नी आपने स्टार्ट करी है जहां पर एंड करी है क्या उसके बीच का कोई शॉर्टकट है क्या जो शॉर्टकट होता है ना उसे ही आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं विस्थापन क्या है न्यूनतम दूरी है मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया जहां पर आके एंड किया क्या उसके बीच का कुछ शॉर्टकट पॉसिबल था क्या सर शॉर्टकट यही है ऐसे की ऐसे क्लियर है क्या क्लियर है क्या सर क्या केवल यूट्यूब की क्लासेज लेकर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों पढ़ना पड़ेगा बस मैं आपको बोलता हूं दोस्तों आप अगर कहीं पर भी पढ़ रहे हो मेरे से YouTube पे पढ़ रहे हो ना अगर आप लोगों ने वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करी आप लोगों का वहां पर भी कवर हो जाएगा लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ चलो आ जाओ अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए यह एक स्टार्टिंग पोजीशन है मतलब यहां से कोई अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है मान लो आप हो आपके पास में कार है आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो आपको कहां पर जाना है यहां पर जाना है यहां पर आपकी जर्नी एंड होगी यहां पर आपकी यात्रा जो होगी ना वो खत्म होगी तो आप पहले ऐसे गए ठीक है ये मान लो तीन किलोमीटर था फिर आप कैसे गए ऐसे गए ये मान लो ये वाली सड़क की लंबाई थी चार किलोमीटर तो अगर मैं आपको बोलूं आपने कितनी दूरी तय करी आंसर बताइए तो दूरी क्या होता टोटल कितना चले तो प्यारे दोस्तों तीन आप ऐसे चले चार आप लोग ऐसे चले तो अगर मैं आप लोगों से दूरी का मान पूछूं तो कितना हो जाएगा तीन प्लस चार बराबर सात किलोमीटर कहानी क्लियर है क्या सर क्लास कितने बजे तक है दोस्तों घंटे की घंटे में हो जाएगा ये आपका टॉपिक ठीक है समझ में आ गई आ जाओ सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विस्थापन क्या होगा आप बोलोगे कि सर किसी व्यक्ति के पास में कार थी मेरे पास तो साइकिल ही है अच्छी बात है लेकिन आप में दिमाग है आप क्या करोगे जब आपको पता है यहां से यहां पर जाना है चाहे आपके पास में साइकिल ही क्यों ना हो आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल लोगे ना बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता तय कर लोगे ना तो इसे मैं क्या बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तो अगर मैं बोलू विस्थापन का मान कितना होगा तो विस्थापन का मान कैसे निकालोगे आप लोग देखोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है त्रिभुज बन रहा है और दोस्तों त्रिभुज में अगर इस एक भुजा की लंबाई तीन किलोमीटर है एक की चार किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई कैसे निकालोगे पाइथागोरस तो प्रमेय से जानते हो ये आपका आधार हो गया ये आपका लंब हो गया ये आपका कर्ण हो गया पाइथागोरस तो प्रमेय से जानते होंगे ना यार आप तो यार मैथ्स इसके रेलवे के स्टूडेंट हो तो मैथ्स तो पढ़ते ही होंगे तो अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस का अंडर लोगे पांच तो विस्थापन का मान हो जाएगा दोस्तों पांच मीटर सॉरी पांच किलोमीटर ठीक है क्लियर है क्या चले आगे सर ये ट्रिक सबको बता दो रिएक्टिविटी पापा पोटेशियम सोचो सोडियम काश सबको बता दू बता दू सबको एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर ये ये सबको बता दो कोई मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है वो लेकर आ गए बोले सर सबको बता दो ठीक है सबको बता दिया मैंने ठीक है अब तुमको जो आती थी वो तो सबको पता पड़ी गई लेकिन जो सब यहां पर पढ़ रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता तो इधर पढ़ाई कर लो ठीक है चले सर डेली इसी टाइम पे क्लास होता है कि नहीं सर डेली क्लास का टाइम है सुबह दस बजे मॉर्निंग टेन ए एम ओके चले आगे बिल्कुल सर आगे चलिए चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए बताओ सर ये एक सड़क थी जिसकी लंबाई है सौ मीटर ओके सर दोस्तों कोई व्यक्ति है वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या कर रहा है वो सीधे 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 जा रहा है और यहाँ पर आके रुक गया तो मुझे बताओ डिस्टेंस यानी दूरी का मान बताओ और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताओ जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ दोस्तों इस बार वही सड़क इसकी लंबाई सौ मीटर एक व्यक्ति ने यहां से स्टार्ट किया ये स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या हुआ ऐसे गया झुंझुन 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 और घूम के वापिस आ गया बीच रस्ते तक आ गया यहां तक तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताओ बताओ जल्दी से बताइए देखो डिस्टेंस क्या होता है टोटल कितना चला जब दोस्तों यहां से ये यह यहां पर जाना है ये कैसे चल रहा है सर सीधे 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 चल रहा है टोटल इतना चला इसकी लंबाई कितनी है सौ मीटर तो दूरी का मान हो गया सौ मीटर दोस्तों विस्थापन क्या होगा कहां से चला सर यहां से चला रुका कहां पर यहां पर रुका क्या कोई शॉर्टकट ताकि सर शॉर्टकट यही है कि सीधे सीधे चलता इससे बड़ा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है तो विस्थापन का मान कितना आ गया सौ मीटर आ गया आगे बात समझ में क्लियर है क्या चले आगे दोस्तों यहां पर देखो स्टार्ट कहां से किया यहां से किया दोस्तों चला ऐसे चला पहले ऐसे चला है ना पहले ऐसे चला सौ मीटर फिर आधे रस्ते वापस घूम के आ गया टोटल कितना चला टोटल सर सौ प्लस पचास तो दूरी का मान हो जाएगा डेढ़ सौ मीटर दोस्तों विस्थापन का मान क्या होगा सर देखो यहां से उसने स्टार्ट किया था यहां पर आके रुका शॉर्टकट क्या होता बेसिकली सीधा ही यहां पर चल लेता सीधा ही यहां पर चलता तो विस्थापन का मान कितना होगा पचास मीटर होगा यह बात आपको समझ में आ गई क्या बिल्कुल आ गई चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन गया और घूम के वापस वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो मुझे बताओ दोस्तों डिस्टेंस कितना है दूरी कितना होता है दूरी क्या होता है टोटल कितना चला तो सर पहले सौ मीटर फिर वापस घूम के सौ मीटर सौ प्लस सौ सर दो सौ मीटर दूरी का मान हो जाएगा चलिए दोस्तों डिस्प्लेसमेंट बताओ विस्थापन बताओ विस्थापन क्या होता है शॉर्टकट दोस्तों यहां से स्टार्ट किया घूम फिर के यहीं पर आ गया शॉर्टकट क्या होता है सर चलता ही नहीं तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का मान कितना जीरो मीटर आया समझ में तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये और है कि आपके घर के पास में एक पार्क है है ना उस पार्क में चारों ट्रैक बना हुआ है जिसमें लोग क्या करते हैं रनिंग करते हैं दोस्तों ये पूरा जो आपका सर्कुलर ट्रैक है जो एक वृत्तीय पथ है इसकी त्रिज्या है चौदह मीटर अब कोई व्यक्ति है आप ही मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया और ऐसे जा रहे हो जस्ट यहां पर आके रुक गए तो मुझे बताओ डिस्टेंस का मान बताओ दूरी का मान बताओ दूरी क्या होता है टोटल कितना चले आप टोटल कितना चले सर मैं तो ऐसे चलाऊ ऐसे चलाऊ ऐसे चलाऊ ऐसे चलाऊ ऐसे चलाऊ तो बेसिकली इसकी लंबाई लो इस रस्ते की लंबाई लो ये लंबाई कितनी है ये होगा दूरी तो दोस्तों सर्किल व्रत की ये पूरी की पूरी जो लंबाई होती है ना उसको बोलता है सर्कमफ्रेंस यानी परिधि तो पूरा तो चक्कर नहीं काटा आपने अगर पूरा चक्कर काटते तो आंसर हो जाता है टू पाई यार। लेकिन आपने आधा ही काटा है, दो से भाग लगा तो दो से दो काटा पाई का मान होता है बाईस बट्टे रेडियस त्रिज्या कितनी है इसकी चौदह मीटर है तो चौदह काटा सात से दो बार में बाई बाईस दूनी बाईस इंटू दो चवालीस मीटर तो दूरी का मान आ जाएगा चवालीस मीटर क्लियर है क्या आगे बात समझ में दोस्तों मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान बताओ विस्थापन क्या होता है सर जहां से स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया उसके बीच का कोई शॉर्टकट है क्या बिल्कुल शॉर्टकट है यार आप सीधे 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 आ जाते तो ये कितना हो गया दोस्तों ये भी तो एक रेडियस होगी ये भी तो एक त्रिज्या होगी तो 14 मीटर ये हो गया 14 मीटर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मान हो गया 28 मीटर बात समझ में आई क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या अगर आ गई समझ में तो मैं लिखवा दू डेफिनेशन मैं आपको परिभाषा लिखवा दू क्या मैं परिभाषा लिखवा दू आपको जरा बताओ यार क्या बात है खतरनाक कमेंट आ रहा है बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं मेरे को लगता है आप सभी को समझ में आ गया तो दूरी की परिभाषा लिखो डिस्टेंस क्या होता है कुल तय पथ की लंबाई को हम लोग दूरी बोलोगे जैसे दोस्तों आपने यहां से स्टार्ट करा यहां पर मतलब ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के आप लोग यहां पर आके रुक गए आपने कौन सा रास्ता चुना था मैं तो सर पूरा ये रास्ता चलाता तो उसकी पूरी लंबाई नापो आप ये होगी दूरी ठीक है और जब ठीक है दोस्तों दूरी एक अदिश राशि है एक स्केलर क्वांटिटी है बहुत जने इसको रटते हैं आज समय है समझने का दोस्तों अधिश राशि किसको होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हो दिशा नहीं चाहिए हो जैसे आप मुझे एक चीज बताइए अगर मैं आपको बोलूं मेरी बॉडी का टेम्परेचर है अभी 37 डिग्री सेल्सियस तो क्या केवल मैग्नीट्यूड बता दू काम हो जाएगा बिल्कुल सर बता दो केवल यही चीजें चाहिए ना क्या दिशा बताने की जरूरत है क्या 37 डिग्री सेल्सियस इस डायरेक्शन में या 37 डिग्री सेल्सियस इस डायरेक्शन में नहीं सर केवल मैग्नीट्यूड बताना है आपको तो ये एक अदिश राशि है ये एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं मेरे ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या मुझे यहां पर दिशा बतानी पड़ेगी क्या बिल्कुल सर क्यों क्योंकि अगर 200 न्यूटन इधर लग रहा होगा तो ये मुझे इधर गिराने की कोशिश कर रहा होगा अगर ऊपर से लग रहा होगा तो ये मुझे पिचकाने की कोशिश कर रहा होगा तो मुझे फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी यानी फोर्स एक वेक्टर क्वान्टिटी है दोस्तों समझ में आ गया क्या सिमिलरली दोस्तों ये भी क्या एक अदिश राशि है कैसे होगा कोई समझना समझाना चाहेगा क्या सर आपका कोर्स लेना है कोई टोल नंबर फ्री हो तो बता दो दोस्तों नंबर ये है लेकिन आपको सुबह ही देखो टीम अभी सो गई है सेवन थ्री सेवन फोर जीरो सर लेवल फाइव टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं क्या मैं आपको चेतन जी अलग से वीडियो बना दूंगा टेंशन मत लो ठीक है ओके अब दोस्तों ये राशि कैसे है समझाउ मैं आपको बात समझाऊं क्या हाँ सर समझाओ दोस्तों मुझे एक चीज बताओ इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया दूरी कैसे निकाले देखो पहले आप लोग 100 मीटर ऐसे चले और फिर आप 50 मीटर ऐसे चले आपने दूरी कैसे निकाला चाहे आप लोग ऐसे चले हो चाहे आप लोग ऐसे चले हो सब जोड़ दिया आपने तो दूरी क्या होता है? टोटल कितना चले चाहे आप कहीं पर भी चले हो इस दिशा में चले हो इस दिशा में चले हो मतलब नहीं है सबको जोड़ते हुए चलो तो दूरी जब आप लोग निकाल रहे हो आपको दिशा से मतलब ही नहीं है तो दूरी क्या है आप लोगों की एक अदिश राशि है क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या दोस्तों इसका मात्रक क्या है दोस्तों दूरी एक प्रकार की लंबाई तो है तो लंबाई को आप लोग किसमें मापते हो मीटर में नापते हो तो दूरी का जो मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा ऐसा ही मात्र ऐसा ही पद्धति बोलती है लंबाई को मीटर में नापो द्रव्यमान को किलोग्राम में नापो तो एक प्रकार की लंबाई तो है तो हम लोग इसको मीटर में नापेंगे दोस्तों इसकी डायमेंशन कौन बताएगा बीमा बताओ बीमा कौन बताएगा कोई बता सकता है क्या सर बीमा कैसे निकालते हैं देखो दोस्तों मीटर ये किसकी यूनिट है लेंथ की यूनिट है ठीक है आ, मैं आपको बोलूं किलोग्राम किसकी यूनिट होती है सर मास की होती है द्रव्यमान की होती है सेकेंड किसकी यूनिट होती है टाइम की होती है तो क्या यहां पर किलोग्राम आ रहा है क्या नहीं यानी मास द्रव्यमान वाला कुछ भी नहीं आ रहा तो एम की पावर जीरो कर दो क्या यहां पर मीटर आ रहा है क्या बिल्कुल मीटर किसका मात्रक होता है लेंथ का होता है तो लेंथ वाली चीज आ, आ रही है ना बिल्कुल आ रही है कितनी बार आ रही है एक ही बार आ रही है तो उसकी पावर एक लगा दो क्या यहां पर सेकंड आ रहा है क्या नहीं सेकंड नहीं आ रहा मतलब टाइम की कोई भी चीज नहीं है तो टी की पावर जीरो कर दो तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी ये इसकी विमा हो जाएगी आ गई बात समझ में अरे आ गई क्या अरे आ गई क्या अरे आ गई या नहीं आई दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो साथ में मेहनत करना चाहते हो ना तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली सुबह दस बजे में आपकी क्लास लेता हूं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाता हूं इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करवाता हूं कि उस क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट हो आपको समझ में आ जाए पढ़ना आपको पड़ेगा मैं आपको पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ में बस आप पढ़ाई करो साथ में बहुत मजा आएगा और एक चीज मैं और बता दू क्या आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी स्ट्रांग है सर मेरी तो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है तो 16 मार्च को आ जाना 16 मार्च को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं सुबह दस बजे अरे कितने बजे सुबह दस बजे आप जो परेशान रहते हो ना सर मैथ्स का क्या करे सर रीजनिंग का क्या करे एक सोल्यूशन देने वाला हूं मैं मजा आ जाएगा सोलह मार्च सुबह दस बजे क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ सर मोटिवेशन लो है अरे मोटिवेशन आ जाएगा श्रेया जी मोटिवेशन के पीछे मत रहिए मोटिवेशन तो ऐसी चीज है जो एक दिन आपको राजा बनाएगा दूसरे दिन भिखारी जिस दिन मोटिवेशन आपको लगेगा मैं ही हूं यार बस जाके मैं आज आईपीएल खेल लू मैं ट्रॉफी जिता दूंगा मैं और जिस दिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे उस दिन सर मैं ना मैं क्या करूं जीवन में दोस्तों मोटिवेशन पे मत रहिए हमेशा कंसिस्टेंसी पे आप लोग वो रखिए डिपेंडेंसी रखिए है, है, है ना अनुशासन पे रखिए देखो मोटिवेशन में तो क्या है एक दिन मेहनत कर ली अगले दिन मोटिवेशन नहीं था कम मेहनत करी उसके अगले दिन डिप्रेस थे करी ही नहीं ऐसे करके ऐसे चलेगा अगर आप लोग अपना अनुशासन रखेंगे कि यार रोज पढ़ाई करनी है ठीक है कई बार ऐसा भी होगा क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है रखनी है रखनी 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 है रखनी है रखनी है रखनी है, रखनी है, रखनी है तभी आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी यहां पर नहीं पहुंच पाओगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की कोई परिभाषा बताऊं क्या अरे सर मैंने समझाई दिया परिभाषा क्या हो जाएगी न्यूनतम दूरी क्लियर दोस्तों कौन मुझे बताएगा ये एक सदिश राशि है या अधिश राशि सर आपने लिख तो दिया सदिश राशि है लेकिन जनरली हम लोग रट लेते हैं तो इसको कैसे हम लोग दिमाग में समझे कि सर ये एक सदिश राशि है आइए मैं आपको समझाता हूं उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो वो क्वेश्चन था ना ये वाला दोस्तों इधर मुझे बताओ आपने विस्थापन कैसे निकाला विस्थापन का मान कितना था याद रखे क्वेश्चन पचास मीटर देखो आप सौ मीटर चले थे ऐसे पचास मीटर फिर आप लोग आ गए इधर विस्थापन कैसे निकाला आपने कि सर मैंने यहां से स्टार्ट करा था यहां पर आ गया शॉर्टकट क्या था केवल इतना ही चल लो इसलिए आपने आंसर दिया पचास मीटर लेकिन ये एक्चुअली में आया कैसे देखो मैं आपको समझाता हूं आप क्या चले पहले आप लोग सौ मीटर चले उधर तो चलो सौ इधर कर लेते हैं फिर आप लोग पचास आए इस दिशा में जस्ट उल्टी दिशा में तो अगर इस दिशा को आप लोग प्लस ले रहे हो प्लस सौ ले रहे हो तो इस दिशा को अगर आप लोग माइनस लोगे तो तभी तो आपका आंसर 100 मीटर माइनस पचास मीटर 50 मीटर आएगा तभी तो आपका 50 मीटर आएगा यानी विस्थापन दिशा पर निर्भर कर रहा है एक को पॉजिटिव ले रहे हो एक को नेगेटिव ले रहे हो तो इससे आपको क्लियर हुआ कि दोस्तों जो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है वो एक सदिश राशि है बोलिए बात दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या होगा यह भी तो एक प्रकार की लंबाई है जैसे मैं बोलूं विस्थापन कितना है? ये देख लो, कितनी है तो इसका भी मात्र क्या होगा मीटर ही होगा क्या मुझे आप लोग इसकी विमा बता सकते हैं क्या डायमेंशन विमा सर जब इसका मात्रक मीटर है तो इसकी भी विमा वही होगी जो आपकी दूरी की थी क्या m की पावर जीरो l की पावर वन t की पावर जीरो दोस्तों आगे ही बात समझ में चले आगे बताओ सर साइंस मैग्नेट ऐप पर वीकली टेस्ट सीरीज दे दो अरे सब देंगे आप लोग टेंशन मत लो बढ़िया करेंगे जो आप बोलोगे सब करेंगे ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो बस आप लोग सर बेसिक साइंस क्लास कब होगी उसकी भी लाएंगे ना प्लीज अभी आप लोग पढ़िए आ जाओ चलिए दोस्तों अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है अगर थोड़ा सा आपको समझ में आया है तो प्लीज इसका आंसर दीजिए बताओ बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है आधे व्रत के बाद में जैसे मान लो कोई व्रत है एक वृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस दे रखी है आर आधे व्रत का मतलब क्या है जैसे मान लो आप ऐसे चले ऐसे घूम के इस जगह आ गए तो विस्थापन क्या होगा विस्थापन क्या होता है शॉर्टकट सर मैं यहां से चला यहां पर आया शॉर्टकट क्या होता है सर सीधे सीधे आ जाता तो ये एक रेडियस हो गई आर ये एक रेडियस हो गई आर टू आर आपका हो जाएगा अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों अगर आप लोगों को डिस्टेंस देखो मोशन में आपको पांच चीजें पढ़नी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो हमने दो चीजें तो पढ़ लिया है अब इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है इस पर सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे किसपे बताओ सबसे पहले समझेंगे कि सर ये स्पीड क्या है ये चाल क्या है दोस्तों मैथ्स में भी पढ़ा है कोई बड़ी बात नहीं है स्पीड क्या होती है ज्यादा समय नहीं लूंगा आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपने कितनी दूरी तय करी है बटे उसके लिए टाइम कितना लिया है यही होता है ना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको ये सॉरी स्पीड क्या होता है चाल क्या होता है मैं लिख दूं सर आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपने कितनी दूरी तय करी है बटे इसके लिए आपने समय कितना लिया है इसके लिए तो एग्जाम्पल भी क्या बताऊं मेरे को खुद को वो आ रही है शर्म जैसे मान लो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो ये दूरी है तीन सौ किलोमीटर की आपने समय लिया है तीन घंटा तो चलो स्पीड का मान बताओ स्पीड का मान बताओ चाल का मान बताओ तो चाल क्या होता है कितनी दूरी तय करी सर तीन सौ किलोमीटर करी कितने समय में करी तीन घंटे में करी क्या गया स्पीड का मान सौ किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है अब लेकिन आप लोगों को पता है चाल का जो ऐसा ही मात्र होता है ऐसा ही मात्र क्या बोलता है लंबाई को मीटर में रखो समय को सेकंड में रखो तो अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कोई शॉर्टकट है क्या बिल्कुल आप सभी जानते हो दोस्तों मैं क्या बताऊं इसमें किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप लोग पांच बट्टे अट्ठारह से गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में क्लियर या अगर आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो अट्ठारह बटे से गुना कर दो अब क्या होता है कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो सर इधर पांच बट्टे अठारह आएगा या अठारह बट्टे पांच आएगा ऐसा होता है कंफ्यूजन मुझे बताओ अरे मुझे बताओ ऐसा कंफ्यूजन होता है कि तब तो सॉल्यूशन बताऊं जब कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन क्यों बताऊं मैं होता है क्या देखो आप ऐसे समझो किलोमीटर है इधर मीटर है बड़ा कौन होता है किलोमीटर आप बेसिकली बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो बड़ी संख्या से क्या लगाओगे भाग लगाओगे यहां पर क्या है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है मीटर क्या है छोटा है किलोमीटर क्या है बड़ा है तो अगर आप लोग छोटी संख्या को छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए यहां पर अठारह ठीक है चलिए आ जाओ आगे चलिए सर वेलोसिटी बताओ वेग क्या है दोस्तों जैसे स्पीड चाल क्या था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना वैसे ही दोस्तों आपका वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों का वेलोसिटी क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना विस्थापन हुआ इसमें कितना समय लगा दोस्तों अभी हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब आपको स्पीड पता हो वेलोसिटी पता हो एक्सलेशन पता हो क्लियर है क्या चले आगे अच्छा मुझे एक चीज बताओ एक, एक चीज मुझे बताओ अगर मान लो कोई गाड़ी है या कोई लड़का है वो सीधे एक सड़क है इस सड़क पे सीधे 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 चल रहा है यहां पर आ गया इस सड़क की लंबाई थी मान लो 200 मीटर तो मुझे बताओ दूरी का मान क्या होगा दूरी का मान कितना होगा टोटल कितना चला 200 मीटर चला दूरी का मान होगा 200 मीटर दोस्तों विस्थापन का मान क्या होगा विस्थापन क्या होता है शॉर्टकट कहां से चला यहां से चला यहां पर आके रुका शॉर्टकट क्या होता है सर? सीधे सीधे चलता वही शॉर्टकट होता तो अभी सीधे ही तो चल रहा है तो विस्थापन का मान होगा 200 मीटर यानी मैं बोल सकता हूं कि एक नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं क्या दोस्तों जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा जैसे देखो ये गाड़ी चल रही है ये गाड़ी चल रही है जैसे ये ऑटो चल रहा है जैसे ये ऑटो चल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन होगा जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा जब भी एक सरल रेखीय गति होगी ना तो इस वाली केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा सेम होगा बात समझ में आई क्या बात आई क्या समझ में बताओ बात आई क्या समझ में चलो मुझे एक चीज बताओ छोटी सी बात ध्यान से आप समझो एक लड़का है वो यहां पर था सीधा सीधा गया यहां पर आ गया ठीक है दोस्तों ये लंबाई थी सड़क की सौ मीटर ठीक है इसमें टाइम लगा दस सेकेंड मैं आपको बोल रहा हूं इसकी स्पीड निकालो यानी इसकी चाल निकालो और इसकी वेलोसिटी निकाल लो यानी इसका वेग निकालो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी दूरी तय करी 100 मीटर करी कितने समय में 10 सेकंड में स्पीड का मान कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय जब यहां से यहां पर गया विस्थापन कितना हो गया 100 मीटर कितने समय में 10 सेकंड में तो वेलोसिटी का मान भी 10 मीटर पर सेकंड आ गया क्या तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा ना तो इस वाले केस में स्पीड का मान चाल का मान और वेलोसिटी यानी वेग का मान बराबर होंगे बोलो बात आगे समझ में बात आगे समझ में तो जब भी आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान समान होता है और स्पीड और वेलोसिटी का मान समान होता है दोस्तों आगे क्या आगे बात समझ में ठीक है अब दोस्तों एक बार ये एक्सलेशन समझना है उसके बाद में ये हम लोग पढ़ेंगे इनसे आते हैं क्वेश्चन इनसे आते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ठीक है क्या चलो आ जाओ तो पहले हम लोग समझेंगे एक्सलरेशन क्या होता है त्वरण क्या होता है कौन बताएगा बताओ कौन बताएगा दोस्तों आप चीज मुझे बताओ मान लो आप एक्टिवा चला रहे हो बाइक चला रहे हो जब आप लोग एक्सिलेट एक्सलेट करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है ना आपकी स्पीड बढ़ती है ना आपकी स्पीड बढ़ती है ना और अब एक चीज ध्यान रखना मैं स्पीड बोल दू या वेलोसिटी बोल दू बात एक ही है जब भी एक सीधे चलते हो ना सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर ही होते हैं अभी मैंने आपको समझाया तो बेसिकली दोस्तों एक्सेलरेशन है क्या किस रेट से स्पीड में चेंज आ रहा है या किस रेट से वेग में परिवर्तन आ रहा है मतलब वेग में परिवर्तन की जो दर है ना उसे ही त्वरण बोलते हैं सर नहीं आया समझ में जैसे मैं आपको बोलूं एक्चुअली में एक्सेलरेशन है क्या भाई वेग में कितना परिवर्तन आया वेलोसिटी में कितना चेंज आया बटे कितने टाइम में आया कितने समय में आया आपको रेट बतानी है रेट का मतलब क्या है जैसे आप बोलो सर मैं तो दस घंटे पढ़ता हूं मैं खुश हो गया यार आप दस घंटे पढ़ रहे हो फिर आप बोले अरे गुरु पूरा तो सुनो एक महीने में दस घंटे पढ़ता हूं मैं तो गलत चीज है ना आप आपके रेट ही बढ़िया नहीं है आपकी मतलब किस रेट से पढ़ाई होनी चाहिए वो आप करीन रहे ठीक है तो रेट का मतलब क्या है कितने टाइम में कितने का चेंज आया जैसे मैं आपको बोलूं कि गाड़ी थी ठीक है अभी इसकी वेलोसिटी है मान लो दस मीटर पर सेकेंड किसी ने एक्सलेटर पे पावर रखा जिसकी वजह से चार सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी दस से कितनी हो गई मान लो आप कितनी हो गई पचास मीटर पर सेकेंड हो गई दोस्तों एक्सलरेशन यानी त्वरण का मान बताओ त्वरण का मान बताओ एक्सलेशन क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे कितने समय में हुआ कितना परिवर्तन हुआ सर दस से पचास हो गया कितने का परिवर्तन हो गया फाइनल माइनस इनिशियल 50 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड माइनस कर दो कितने का परिवर्तन आ गया सर 40 मीटर पर सेकंड का आ गया कितने समय में आया चार सेकंड में आया तो 40 से निकाला 4 को 10 बार में तो एक्सीलरेशन का मान कितना आ गया 10 और मात्रक क्या आएगा देखो ऊपर था मीटर पर सेकंड नीचे सेकंड तो एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो मैं यह बोलना चाह रहा हूं आपको दो चीजें समझ में आई एक तो यहां पर क्या आया एक तो ध्यान रखेंगे त्वरण का मात्र क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों क्या आपको समझ में आया वेलोसिटी क्या होता है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गया अब दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ये तो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा था एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे वाले तो दोस्तों जब बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे तो बार बार आप लोग ऐसे सिंपल चीजें तो लगा नहीं सकते तो हमने क्या कर रखी है कुछ समीकरण बना रखी है कुछ इक्वेशन बना रखी है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण टोटल तीन समीकरण है जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इन तीन समीकरण का इस्तेमाल करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, है? आइए इन समीकरण को समझते हैं इनका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण ठीक है चले आ जाओ सर बताओ कौन कौन से होते हैं समीकरण दोस्तों टोटल है ना तीन समीकरण होते हैं है कई बार ये पूछ लिया जाता है चार ऑप्शन देके बताइए पहला समीकरण कौन सा है दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है सॉरी तीन ही तो है तो आपसे तो आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है देखो दोस्तों पहला समीकरण क्या है V बराबर u प्लस ए टी ध्यान से समझना मैं एक एक चीज बताऊंगा v क्या है u क्या है टेंशन दोस्तों दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है अभी याद हो जाएगा टेंशन लो और थर्ड इक्वेशन कौन सी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सर पहले तो मुझे ये बताओ यहां पर a क्या है ये s क्या है ये t क्या है देखो दोस्तों आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो

अब मैं आपको बोल रहा हूं कि दस सेकेंड के बाद में कितनी हो गई फाइनली कितनी हो गई दस सेकेंड के अंत में कितनी हो गई तो जो v होता है ना वो होता है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। आगे बात समझ में आगे बात समझ में क्लियर है क्या क्लियर है क्या बताओ आया नहीं आया ठीक है ठीक है अब मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो आप यहां पर थे कुछ देर बाद में आप लोग यहां पर पहुंच गए तो इस दौर मतलब आपका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हुआ विस्थापन कुछ हुआ होगा ना कुछ विस्थापन तो विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं तो S क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है ठीक है चलिए ए क्या है आपका एक्सलेशन है टी क्या है आपका टाइम है अब सर क्वेश्चन कौन से आते हैं क्वेश्चन सारे बताऊंगा टेंशन बिल्कुल भी मत लो लेकिन आप लोगों को पहले एक चीज समझनी है कौन सा समीकरण लगाना है बहुत लोगों को डाउट होता है सर मुझे समझ नहीं आता जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये समीकरण लगाऊं या ये लगाऊं या सर ये लगाऊं कौन सा समीकरण लगाऊं बताओ आपको भी दिक्कत आती है दोस्तों इसका सॉल्यूशन एक ही है आपको क्या चीज चाहिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को भूख लग रही है ठीक है आपके सामने चार दुकानें हैं या तीन दुकानें एक है चप्पल की दुकान ठीक है एक है दोस्तों सोने चांदी की दुकान और एक है दोस्तों भोजन की दुकान शुद्ध शाकाहारी भोजन हमारे यहां मिलता है बताओ कहां पर जाओगे आप कहां पर जाओगे मुझे बताओ अब ऐसा तो है नहीं कि सर इस दुकान में चल जाओगे सर मुझे तो वही आदत है मैं जब पढ़ाई नहीं करता पापा डांटते हैं मेरे को चप्पल से डांटते हैं चप्पल से मारते हैं तो सर मेरे को तो वही आदत पड़ रही है नहीं आपको भोजन की दुकान में जाना पड़ेगा सिमिलरली मान लो आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विस्थापन का मान निकालो यानी एस की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है तो आप लोग दोस्तों पहला समीकरण कैसे लगा सकते हो इसमें ऐस ही नहीं है समझ में आ रहा है आ रहा है थोड़ा सा चमका या नहीं चमका बताओ बिल्कुल सर थोड़ा सा चमक गया थोड़ा सा आ गया सर समझ में बहुत अच्छी बात है ठीक है अब दो नोट डाल के लिख लो बाकी फिर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे नोट डाल के लो, दो नोट वन, जब भी बोला जाए ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कि, कि विराम से शुरू हुई है या विराम से शुरू हुई है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है जैसे मान लो मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया अभी तो मैं यही खड़ा हूं कुछ स्पीड है ही नहीं बिल्कुल अभी प्रारंभ में मेरा वेग कितना है जीरो है तो अगर बोला जाना है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब क्या है उसका प्रारंभिक वेग कितना है जीरो है ठीक है नोट नंबर टू डाल के रखिए अगर बोला जाए ना बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम अ बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम अगर ये वस्तु कुछ समय बाद रुक जाती है जैसे एक चीज मैं मैं भी चल रहा हूं मैंने ब्रेक लगाया मैं रुक गया तो जब मैं रुक गया मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई सर आपकी कुछ स्पीड ही नहीं है आपकी कुछ वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी होती तो और चलते ना आपके तो जब रुक जाती है इसका मतलब फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो हो गई ये बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या आ गई क्या तो आगे बात समझ में तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं देखो आराम से करो कोई बात नहीं अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन करते हैं टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप लोगों को बस तीन इक्वेशन है वो आपको देखने हैं कैसे लगाने मैं आपको समझा दूंगा टेंशन लो आ जाओ किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से मतलब इनिशियली ये बिल्कुल मान लो एक वस्तु थी एक कार थी कुछ भी मान लो स्टार्टिंग में बिल्कुल रेस्ट में थी प्रारंभ में इसका वेग कितना था गुरुजी कुछ भी नहीं था चुपचाप बैठी थी कोई वेग नहीं था जीरो इसका वेग था अब आपने क्या करा झूलेटर पर रखा कितना दिया आपने मीटर पर एक्सिलेशन स्क्वायर का दिया हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से देख लो अब जब आप एक्सिलेट करोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो पांच सेकंड के बाद में टी का मान दिया हुआ है पांच सेकंड तो पांच सेकंड के बाद में फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है दोस्तों क्या मैं ये दूसरा समीकरण लगा सकता हूं क्या एस बराबर ut प्लस half square, क्या मैं ये लगा सकता हूं क्या बोलो या ना सर नहीं लगा सकते क्योंकि सर मुझसे v की वैल्यू पूछी गई है इसमें v है ही नहीं क्या मैं पहला समीकरण लगा सकता हूं क्या v बराबर यू प्लस ए टी बिल्कुल सर आप ये लगा सकते हैं तो v की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है u का मान था जीरो a का मान कितना है पांच टाइम का मान कितना है पांच पांच गुना पांच पच्चीस और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड तो पच्चीस मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इसका आंसर बताओ आंसर बताओ आराम से देखो सारे बनेंगे टेंशन मत लो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है इसको नीचे रख देता अब बताऊ एक कार विराम से शुरू होती है विराम से शुरू होती है इसका मतलब स्टार्टिंग इस में बिल्कुल रेस्ट पे थी बस गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गए आप चल नहीं रहे तो यू का मान कितना है जीरो है ठीक है दोस्तों तीस सेकेंड में है ना तीस सेकेंड में टाइम की वैल्यू दी गई है तीस सेकेंड तीस सेकेंड में आप लोग देखते हो इसकी जो स्पीड इस हो जाती है मैंने आपको क्या बोला जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हो स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो बात बराबर है तो 30 सेकंड के बाद में फाइनली इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं 5/18 से गुना करूंगा तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना तो 90 कटा 18 से कितनी बार में 6 बार में छह इंटू पांच तीस यानी फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर तीस मीटर पर सेकंड हो गई बात आ गई आपसे त्वरण का मान पूछा गया है कैसे निकालूं देखो पहला समीकरण क्या होता है v होता है ना तो v की वैल्यू दी गई है आपको तीस u की वैल्यू दी गई है जीरो एक्सिलेशन की वैल्यू पूछी गई है ये जीरो से तीस मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगा तीस सेकेंड का लगा तो एक्सिलेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कुछ गलती तो नहीं कर दी है हम लोगों ने कुछ गलती करी है मेरे हिसाब से नब्बे इंटू पांच बटे अठारह कुछ गड़बड़ करिए क्या दोस्तों मैंने देखो अच्छा ये पांच आएगा ठीक है आ, ये पांच बार में कटेगा पांच बार में कटेगा ना देख लो पांच बार में कटेगा सॉरी मैम छह बार में काट पच्चीस मीटर पर सेकेंड आएगा तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी ना वो कितनी है पच्चीस ठीक है।, है तो एक्सिलरेशन का मान कितना आ जाएगा पच्चीस बट्टे तीस और आपको पता है एक्सीलरेशन का मात्र क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो पच्चीस कटा पाँच से पांच बार में तीस कटा पांच से छह बार में तो आंसर आपका आ गया पांच बट्टे छह मीटर पर सेकंड स्क्वायर या आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो पांच बटे छह मीटर सेकंड की पावर माइनस टू भी लिख सकते हो ये सेकंड की पावर टू था ना ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा तो क्वेश्चन मैं आपको ध्यान रखिए दोस्तों ये भी सही है ऑप्शन और ये वाला भी सही है दोनों ही सही है क्लियर है क्लियर है आगे बात समझ में बात आई या नहीं आई समझ में बताओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए कोई कार विराम से विराम का मतलब क्या है उसका प्रारंभिक वेग कितना है जीरो है फिर आपने एक्सलरेट करी एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है त्वरण का मान कितना है तीन मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर है क्या अब आप, आपसे बोला जा रहा है जब आप एक्सलेट करोगे तो 10 सेकंड में बेसिकली आपने कितनी दूरी तय कर ली जैसे मान लो गाड़ी इधर थी है ना फिर जब आपने एक्सिलेटर पे पांव रखा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी 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 वो अलग बात है आप तो मुझे ये बताओ 10 सेकंड में कितना चल लिए सर दूरी पूछा गया है दोस्तों जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो ना तो दूरी बोल दो या विस्थापन बोल दो बात बराबर है कुल मिला के एस का मान आपको निकालना है ठीक है ये टाइम कितने टाइम में दस सेकेंड में तो क्या करूं मैं दूसरा समीकरण लगा लू क्या लगा लो सर एस बराबर यू टी प्लस हाँ टी एस का मान कितना दिया हुआ है सर वही तो निकालना है U का मान कितना था जीरो था यानी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा वन बाय टू एक्सलेशन की वैल्यू दी गई है तीन यहां से यहां पर टाइम कितना कितने टाइम में पूछा जा रहा है दस सेकंड में दस का स्क्वायर सौ तो 100 बटे दो हो गया आप लोगों का 50 और 50 इंटू तीन हो गया डेढ़ सौ तो डेढ़ सौ मीटर ये चल लेगा क्लियर है क्या सर आज टॉप 20 क्वेश्चन नहीं हुए अरे सोनू जी कहां सोते रहते हो सुबह 10 बजे हमने क्लास नहीं ली क्या बताओ दोस्तों बाकी के डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है नहीं होती बताओ चलिए इसका आंसर बताओ यदि एक कार बेहतर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है यानी प्रारंभ में इसकी स्पीड या प्रारंभ में इसका वेग कितना था यू का मान दिया हुआ है बेहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा पांच बटे अठारह से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में तो बेहतर कटा अठारह से अठारह छत्तीस चौवन बहत्तर चार बार में और पांच इंटू चार बीस यानी प्रारंभिक वेग कितना था सर बीस मीटर पर सेकेंड था बोला जा रहा है पैंतालीस सेकंड के बाद में रुक गई जब रुक गई तो की वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो हो गई कितने टाइम में हुआ ये काम पैंतालीस सेकंड में तो आप लोगों से पूछा गया है मंदन का मान बताओ सर ये मंदन क्या होता है देखो जब स्पीड आप लोग बढ़ाओगे या वेलोसिटी आप लोग बढ़ाओगे तो एक्सलरेशन का मान क्या आता है पॉजिटिव आता है जब आप स्पीड कम करोगे तो एक्सेलरेशन का मान क्या आता है नेगेटिव आता है तो दोस्तों नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोला जाता है रिटार्डेशन बोला जाता है मंदन बोला जाता है कुल मिला के आप तो एक्सेलरेशन का मान निकालो देखो कितना आ रहा है तो लगाओ v बराबर यू प्लस ए लगाओ लगाओ v का मान है जीरो u का मान कितना है बीस प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप आपको निकालनी है ये से ये होने में मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से जीरो होने में कितना टाइम लगा 45 सेकेंड लगा एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया माइनस -20/45 ठीक है तो माइनस जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसको है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन मंदन क्वेश्चन में साफ बोल दिया मंदन हो रहा है तो मान बताओ कितना हो रहा है केवल मैग्नीट्यूड बताओ तो 20 कटा 5 से 4 बार में 45 कटा 5 से 9 बार में तो 1/9 होता है 0.11 चार बटे नौ कितना हो जाएगा जीरो दशमलव चार चार ऑप्शन नंबर बी आई बात समझ में आ गई क्या आ गई क्या चले आगे क्लियर हो रही है बात बिल्कुल सर क्लियर हो रही है तो आई होप आप लोग सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में कि इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण का कैसे यूज करना है अब आप लोग इजीली कर लोगे दोस्तों एक छोटा सा पांच मिनट मुश्किल से सा सात मिनट की क्लास और बच्ची कर ले छोड़ना कुछ भी नहीं है दोस्तों इसी से संबंधित है हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेपे गति सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये जमीन है आपकी ठीक है ये जमीन है मान लो यहां पर फुटबॉल थी आप लोग जब फुटबॉल को किक मारोगे तो उसको प्रारंभ में कोई ना कोई वेग मिलेगा ना मान लेते हैं प्रारंभिक वेग है यू कुछ भी होगा हो सकता है तीस मीटर पर सेकेंड का वेग मिला या चालीस मीटर पर सेकेंड का वेग मिला और जिस डायरेक्शन में जा रही है फुटबॉल स्टार्टिंग में वो जरूर वो दिशा वो दिशा जमीन के साथ में कुछ कोण बना रही होगी इस एंगल को आप लोग मान लो ठीटा तो दोस्तों फुटबॉल कैसे जाएगी ऐसे जाएगी 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 यहां पर जाके गिरेगी ठीक है तो दोस्तों जहां से फुटबॉल आपने किक मारी और कहां पर आके गिरी मान लो यहां पर गिरी तो इसने कितनी दूरी तय करी इसको हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास क्लियर है क्या क्लियर है क्या बॉल कैसे गई सर ऐसे गई, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई तो अपने जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई पे थी तो जब सर ये यहां पर होगा ना जब ये जमीन से अधिकतम ऊंचाई पर होगी क्योंकि तो जब फुटबॉल यहां पर होगी तो जमीन से इसकी ऊंचाई बहुत कम है जब यहां पर है तो यहां पर जमीन से अधिकतम ऊंचाई पर है तो दोस्तों एक तो रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए एक मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल यानी जब फुटबॉल आपने किक मारी और जब ये नीचे आके गिरी तो टोटल कितना समय लगा इसको टोटल कितने समय के लिए फ्लाइट कर रही थी टोटल कितने समय के लिए उड़ रही थी इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट तो बेसिकली कुछ भी नहीं आपको तीन फॉर्मूला ध्यान रखना है क्लियर है आ जाओ देखो सबसे पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का याद रख लोगे क्या ऐसे याद रख लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी याद रख लोगे क्या दोस्तों रेंज का अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट का बताता हूं पहले उड्डयन काल का उड्डयन काल का होता है टू यू साइन ठीटा बाइ जी और रेंज का होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाइ जी प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ देखो अगर मैं आपको बोलू कि फुटबॉल को ऐसे किक मारो कि रेंज मैक्सिमम हो बहुत दूर तक जाए मतलब बेसिकली अगर आप लोग रेंज का मान अधिकतम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे आप लोग बोलोगे कि सर मैं जी का मान कम कर लू स्मॉल जी दोस्तों स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन त्वरण इसका मान फिक्स होता है कितना होता है नौ दशमलव आठ इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते आप बोलोगे कि सर मैं यू का मान बढ़ाऊ मैं बहुत तेज फोर्स से मैं दम अरे आपकी भी तो एक लिमिटेशन है ऐसे थोड़ी फुटबॉल को किक आप दोगे। अगर ऐसे सकते तो दस पंद्रह तो आप कुछ कर नहीं सकते दोस्तों आप क्या कर सकते हो सर मैं एंगल को वेरी कर सकता हूं कि मैं ऐसे फेंकू या मैं ऐसे फेंकू तो सर मैं ठीटा का मान तीस भी रख सकता हूं ठीक का मान चालीस भी रख सकता हूं पचास भी रख सकता हूं वो मेरे हाथ में तो अब आपको चाहिए मैग्जिम मान दोस्तों साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है एक हो सकता है और कब होता है जब एंगल नब्बे डिग्री होता है यानी अगर ये वाला मान नब्बे डिग्री हो यानी थीटा का मान पैंतालीस डिग्री होना तो इसमें क्या होगी फुटबॉल आपकी दूर जाएगी जैसे मान लो पैंतालीस डिग्री पे आपने फेंकी फुटबॉल यहां पर पहुंची पैंतालीस डिग्री पे से ज्यादा पे फेंकोगे ना उतनी दूर नहीं जा पाएगी पैंतालीस से कम फेंकोगे तब भी नहीं जा पाएगी मैक्सिमम पर जाएगी जब आपका एंगल 45 डिग्री होगा एक क्वेश्चन कर लेगा चलो एक क्वेश्चन करो एक क्वेश्चन करो बताओ सर खाना खा लिया कि आपने नई दोस्तों अभी नहीं खाया है आपकी क्लास के बाद में खाया जाएगा ठीक है बताओ है ना ये क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर होमवर्क में दे दोगे कि आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है क्या बोला जा रहा है पिंड को सैंतीस से तीस डिग्री के कोण पर तीस मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है मान लो पत्थर है कुछ भी मान लो आपने फेंका इसको क्या वेग दिया प्रारंभ में क्या वेग मिला 30 मीटर पर सेकंड ठीक है और ये किस एंगल पे फेंका 30 डिग्री पे तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा तो आपको दे, दो चीज बतानी है एक तो जमीन से मैक्सिमम कितनी हाइट पे था? देता हूं मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू, टू थीटा बाय हो जाएगा ठीक है देखो थीटा का मान कितना है आपका तीस डिग्री है तो टू थीटा कितना हो जाएगा साठ

ये जब हमारा अगला चैप्टर होता है ना फोर्स उसके अंदर पढ़ता है लॉज ऑफ मोशन क्योंकि गति का पहला नियम ही आपको बल के बारे में बताता है गति का दूसरा नियम ही आपको बल की परिभाषा देता है तो वो इस वाले चैप्टर में आएगा ठीक है बात क्लियर है दोस्तों सेशन कैसा लगा देखो रात भर आप लोगों के लिए देखो घर वालों से लड़के आपके लिए क्लास ले रहा हूं घर वाले बोलते हैं सुबह से शाम लगा रहता है हमारे लिए भी समय निकाल लो लेकिन सिर्फ आपके लिए ठीक है दोस्तों जनरल साइंस आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नीशियन में तो पूरे 40 मार्क्स की अगे मैं आपको बोलता हूं सिलेक्शन मत लो आप पूरा टारगेट करो 100 परसेंट मार्क्स लाने का साइंस में आप लोग इजीली कर सकते हो दोस्तों साइंस जो है ना काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है मेरा दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच एल बच्चे बोलते हैं सर मेरा जेई का एग्जाम है मैं ले सकता हूं अरे कोई सा भी एग्जाम दे लो यार एक बार पढ़ो जीवन में ऐसा पढ़ो कभी वापस नहीं पढ़ना पड़े दोस्तों मैं आपको बताता हूं इस कोर्स के बारे में आप लोग कंटेंट देखो ऐसे एनिमेशन के साथ में ऐसे कंटेंट के साथ में आप लोगों को पढ़ाता हूं क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए यार इतना बेहतरीन आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाता है बायोलॉजी शुरू हो चुकी है आप बायोलॉजी का कंटेंट देख लो यार हर एक स्लाइड ऐसी बनाई गई है प्रॉपर डायग्राम प्रॉपर एनिमेशन आपको जिससे विजुअली आपको याद हो जाए आप लोगों को सब कुछ क्लियर है आप भी देखो मेटल एंड मेटल देखो कितना सेग्रीगेट कर रखा है कितना फ्लो चार्ट के माध्यम से कि भाई मेटल ऐसा होता है नॉन मेटल ऐसा होता है मेटल ओड में यह पाई जाती है हर एक चीज सर फीचर बताओ कोर्स के दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट ठीक है सर डेली लाइव क्लास है दोपहर एक बजे होती है मिस करते रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों जब चैप्टर पूरा होता है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कि रेलवे ने विगत वर्ष में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे थे एक साल की वैलिडिटी जब भी परचेज करोगे तब से एक साल तक रहेगा और टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोगों को फ्री दे रहा हूं जब भी चैप्टर पूरा हो उसका जाके टेस्ट आप लोग लगाइए एक चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाह रहा हूं पीडीएफ आपकी कलर्ड पीडीएफ भी है साथ में हैंड रिटर्न नोट्स वाली पीडीएफ भी है मतलब अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो तो हैंड रिटर्न नोट डाल रखे हैं सीधा उसका प्रिंट आउट निकाल लो वही वाले नोट्स है जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लियर YouTube पे क्लास कब होती है डेली सुबह दस बजे ठीक है तो ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पे जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे ना तो यहां पर आ जाएगा रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच दो हजार चौबीस लाइव जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा दोस्तों पहले आता था बाय नाउ का अब आएगा ज्वाइन का जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है तो जैसे मोबाइल नंबर डालोगे ना आपका व्हाट्सएप नंबर डालोगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आ जाएगा या आपका व्हाट्सएप नहीं चलाते तो जो भी आपका नंबर उस पर टैक्स मैसेज आ जाएगा उसमें लिंक आएगा जैसे लिंक के माध्यम से पेमेंट आप लोग कर देंगे ना तो आपका जब पेमेंट हो जाएगा जब ऐप पे आप आके देखोगे तो आपका वो कोर्स चल रहा होगा ठीक है थैंक यू सो मच अपना आप लोग ध्यान रखिए कल मिलते हैं दोस्तों सुबह दस बजे बाय टेक केयर